हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। जैसा कि मैं गया हुआ हूँ रामलीला मैदान पर। रामलीला मैदान में जैसा कि आपको दिखा सकता हूँ सुंदर सा भव्य सा संतुदा का यहाँ पर टेंट का सुंदर सा कारोबार है। और संतुदा कुछ कहना चाहिए। सजा दिया गया पूरा टेंट संतुदा की तरफ से। देख सकते हैं मस्त एंड जबरदस्त तरीके से सभी लोग लगे हुए हैं। रामलीला मैदान एकदम जो है कि तैयार हो चुका है। थोड़ा बहुत कल जो कमी है वो कल पूरी हो जाएगी। और गुड्डू भाई हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं मस्त एंड जबरदस्त तरीके से। और सजावट में भव्य पांडाल तैयार कर दिया गया है रामलीला का। और हमारे अध्यक्ष साहब कुंदा अंदर लगे हुए हैं सेवा में और पूर्ण तरीके से सभी लोग। और जैसा कि हमारे गणमान्य जन यहाँ पर बैठे हुए हैं और जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पर हमारे चचा बैठे हुए हैं। चचा कैसे हैं? बहुत सुंदर। और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का। भारत माता की जय का नारा लगा हुआ है। जय हो भारत माता की जय। और हमारे मंदा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंदा भी आए हुए हैं। ये लोगों का बड़ा ही सहयोग रहता है रामलीला में और बड़े ही सुंदर तरीके से ये लोगों के पाठ भी जो होंगे वो सब आपको दिखाए जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे पाठ खेलते हैं। और हमारे अध्यक्ष साहब जो कि लगे हुए हैं तन मन धन से बिल्कुल एकदम तत्पर हैं यहाँ पर मैदान में। और हमारे उधर संजुदा भी जैसा कि देख सकते हैं सभी लोग मस्त एंड जबरदस्त तरीके से यहाँ पर रामलीला की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैं भगवान राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहे और हर साल इसी प्रकार का कार्यक्रम ये सब लोग करते रहें और हमें देखने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को सभी को पहले बता चुका हूँ कि हम लोग आज जैसा कि आए हुए हैं यहाँ पर रामलीला मैदान में और रिहर्सल फाइनल रिहर्सल है। कल से रामलीला प्रारंभ है तो आप लोगों को कल से जो भी सुंदर सा कार्यक्रम होगा वह सब आपको दिखाया जाएगा। आप लोग बने रहिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक पहुँचे रामलीला मंच में मैदान में और सुंदर से कार्यक्रमों का यहाँ पर जो है आनंद ले। हर हर महादेव। जय श्री राम।
जैसे तन में जी रहेगा तू बिना मीन इव्या कुल हूँ से दिन हो जा मीन इव्या या प्यारी तू कहाँ ढूंढता फिरता हूँ तुझको मैं यहाँ कौम लांगी अच्छी तो आगे बढ़ो आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए ए नाथ खैरियत धंधा चाहिए आप जैसे वीर पुरुषों को वीर पुरुष यदि व्याकुल हो शोभा नहीं देता है जिनको याद करो इनको शोभा नहीं देता दो से याद करो ए भ्राता जैसे रमणी वन है वृक्षों की कतार रूपी सेना को लेकर कोयल इत्यादि पक्षियों का कलश गूंज रहा है फिर मिलना हम दोनों का है फिर मिलना सभी सेनाएं मिलना हम दोनों का प्रिय फिर मिलना हम दोनों का प्रिय कठिन आता फिर मिलना हम दोनों रहो प्यारी जीरंगी तुम रहो प्यारी जीरंगी तुम रहो प्यारी मन मुझसे कहलाता मांजू मृग नयनी तुमने मुझको मांजू मृग नयनी हाँ